जबलपुर की बरेला थाना पुलिस ने बैंकों में जालसाजी कर खाता धारकों के मोबाइल नंबर को बदलकर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। बरेला थाना पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवती और उसके 17 वर्षीय बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये दोनों जबलपुर के ग्रामीण इलाकों के थाना क्षेत्रों में भोले भाले ग्रामीणों को धोखा देकर उनके बैंक अकाउंट से पैसे पार कर लिया करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के बरेला, पनागर, तिहोरा आदि इलाकों में इन दोनों द्वारा ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी करते हुए उनके बैंक अकाउंट से पैसे पार किए जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोबाइल और 10,000 रुपये नकद बरामद किए। वहीं आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी के पैसे से लगभग 1.5 लाख रुपये सोने चांदी के जेवरात खरीदे गए, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। इन दोनों आरोपियों द्वारा जबलपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया जाता था। पुलिस को लंबे समय से इन दोनों की तलाश थी। पुलिस अब आरोपियों से और वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। एक नए तरीके का जो बैंक में जिनके खाते होते हैं उनके साथ जो बैंकिंग फ्रॉड किया जाता है उसके नई तरीका एक जो इजाद आरोपियों द्वारा किया गया उसका पर्दाफाश किया गया है। उसमें मुख्य रूप से हमारे DSP साइबर है पंकज मिश्रा, उनकी भूमिका रही, उनकी टीम थी और क्राइम ब्रांच की जो टीम है हमारे DSP पांडे, हमारे DSP सिटी रोहित और हमारे DSP ग्रामीण अपूर्वा, इनकी बाद में इन सभी ने लग करके इसको पर्दाफाश किया है। इसमें बताना चाहूँगा कि मोटर सुपरेंटिंग इस प्रकार की थी कि जैसे मान लीजिए किसी का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, वो बैंक में जाता है तो वहाँ जो मुख्य आरोपी है संजना गुप्ता, ये वहाँ एक आउटसोर्स कंपनी की तरफ से वहाँ काम करती थी जिनको काम दिया गया था लोगों से उस बैंक में क्रेडिट कार्ड बनवाने पर। जब मान लीजिए कोई ग्राहक अगर बैंक में जाता था तो वो इनसे पूछती थी कि क्या आप क्रेडिट कार्ड बनाना चाहेंगे, तो वो अगर एग्री करता था तो उनसे उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर, ये चार चीज़ें उनसे मांग लेते थे। फिर उनमें से ये और इनके जो एक अपचारी बालक हैं, इनके मित्र हैं, वो साजिशवश ये देखते थे कि किसके सिग्नेचर आसान हैं जो ये कॉपी कर सकते हैं। फिर उन भोले वाले जो खाताधारी थे उनकी तरफ से आवेदन लगा के स्वयं खाताधारी बन के ये अपने जो बैंक में जो अकाउंट जो लिंक नंबर रहता है उसको खातेदार बन करके ये डिटेल के माध्यम से उसको चेंज करा देते थे और उस खातेदार को पता भी नहीं था कि ऐसा उसके साथ हो रहा है। तो जब मोबाइल नंबर, लिंक मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट नंबर और स्कूल का मोबाइल नंबर के आधार से जब वो चेंज हो जाता था तो चेंज जो मोबाइल नंबर था वो इनके औपचारी जो बालक दोस्त हैं उनका रहता था। फिर ये यूनो ऐप डाउनलोड करते थे और फिर उसके माध्यम से उनके अकाउंट से पैसा निकाल लेते थे। ऐसी इस मोडस ऑपरेंडी के तहत इन्होंने करीबन 8 लोगों के साथ ऐसा किया जिसमें 5 में FIR हमने दर्ज करी है। इसमें 2 FIR पनागर में है, 2 बरेला में है और 1 सिहोला में है। कुल मिलाकर जो धोखाधड़ी हुई है इसमें 10 से 11 लाख की हुई है और जो संबंधित जो हमारे फरियादी हैं उनको पैसा वापस करने की प्रक्रिया जो है वो चालू है। सर ये क्यों करते थे ऐसा, क्या बताया? पैसे का लगा, इनको ऐसा लगता था कि ये इस तरीके से उनको आसानी से पैसा मिल जाएगा। दूसरा इनका ये भी पता चला है कि इनने कुछ गहने अपने कहीं गिरवी रखे थे तो उसको छुड़ाने के लिए भी है।